तो मेरे फ्रेंड दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार। स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान टेट मंदसौर तृतीय खंड अंग्रेजी ओलंपियाड प्रश्न पत्र माध्यमिक स्तर। तो दोस्तों, ओलंपियाड की परीक्षा होने वाली है 22-23 में, 2022-23 के अंदर, और माध्यमिक यानी मिडिल क्लास के लिए, कक्षा 8वीं के लिए। तो ओलंपियाड के लिए जो पेपर है उसका जो मॉडल पेपर सेट बन के आया है, तो किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछ सकता है वो एग्जामिनर, तो ये दोस्तों कुछ मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पे दिया गया है। तो इस टेस्ट के रूप में इसको अपन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। तो आइए दोस्तों देखने वाले हैं। देखिए, पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं। द बिग बेनियन ट्री इज अवर विलेज इज ओल्ड, तुम्हारे गांव में एक बरगद का पेड़ है तो कितने वर्ष पुराना है? तो 50 ईयर्स ओल्ड। मुझे एक पेंसिल दे दो कि मधी, एक पेंसिल दे दो। 50 ईयर्स ओल्ड, 50 वर्ष पुराना। कितने वर्ष पुराना है? 50 वर्ष पुराना। वहाँ ऊपर पड़े होगा, हाँ यार, पेंसिल नुक्कर पेंसिल। 50 वर्ष पुराना, कितने वर्ष पुराना वो बरगद का पेड़? 50 वर्ष पुराना है। तो 50 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है ऑल द विलेज प्ले नियर, तो विलेज गांव के, देखो पहले में 50 ईयर्स ओल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 ईयर्स ओल्ड बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है ऑल द विलेज प्ले नियर, तो विलेज के लोग वहाँ खेलते हैं, तो मेन आदमी तो खेलते नहीं, वूमेन महिलाएं भी नहीं खेलती है, चिल्ड्रन बच्चे खेलते हैं वहाँ, कौन खेलते हैं? बच्चे। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अगला, हु टेक रेस्ट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कौन आराम करते हैं? सिंगर्स गीत गाने वाले आराम करते हैं? नहीं। डांसर्स कलाकार आराम करते हैं? नहीं। प्लेयर्स खिलाड़ी ये भी नहीं करते। पासर्स बाय जो राहगीर होते हैं वो वहाँ पर आराम करते हैं पेड़ के नीचे, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ बिग, बिग की कंपेरेटिव डिग्री यानी कि दूसरी डिग्री देखना है। डिग्री तीन तरह की, पहले पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, तीन तरह से होती है। तो दूसरी डिग्री कंपेरेटिव है, दूसरी डिग्री, तो बिग का होगा बिगर, बिगर मतलब ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिगेस्ट, तो बिगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द रेमिंग वर्ड ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग का रेमिंग वर्ड ब्रिंग हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा, आई एन जी लग रहा है, इसमें आई एन जी है तो इसमें भी आई एन जी लास्ट में। व्हाट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग ए चाइल्ड कैन डू, बच्चे के लिए आनंददायक चीज़ क्या है? तो झूला, बच्चे के लिए आनंददायक चीज़ क्या है? झूला, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विंग। द गार्डन इज, गार्डन कैसा है? गार्डन कौन सा? ग्रीन है, हरा गार्डन, गार्डन कौन सा वहाँ पे? हरा गार्डन है, ग्रीन। द अपोजिट वर्ड ऑफ अप, अपने ऊपर, तो ऊपर का विलोम शब्द होगा डाउन, डाउन नीचे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हु वाज गोइंग अप द वॉल, वॉल एंड दीवार पर कौन जा रहा था? तो दीवार पर जा रहा था एंट, चींटी, स्पाइडर मकड़ी, लिजार्ड और बी, तो वहाँ पे जा रही थी स्पाइडर एंड मकड़ी जा रही थी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ए ऑफ पीपल, पीपल लोगों के झुंड को क्या कहते हैं? तो क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों के झुंड को क्राउड कहते हैं। बंच गुच्छा होता है, हर्ड केटल होता है, पशुओं का झुंड होता है, टीम खिलाड़ियों का झुंड होता है, और क्राउड लोगों का झुंड होता है। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड होता है मित्र, तो मित्र का अपोजिट होता है एनिमी यानी शत्रु, एनिमी यानी शत्रु, इसका अपोजिट वर्ड होगा। 12वां प्रश्न देखिए, हु वाज द सैड एंड वरीड, इसके चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कीजिए दोस्तों। हु वाज सैड एंड वरीड, कौन दुखी था, चिंतित था? तो राजा था, और राजा किंग यानी राजा था, दुखी और चिंतित भी राजा था, दुखी भी था और चिंतित भी था। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ प्ले, प्ले का पास्ट टेंस होगा प्लेड, प्ले का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेड हो जाएगा। वेन वाज महात्मा गांधी बर्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 को हुआ था।
महात्मा गांधी का जन्म 1869 को था। हुआ द केयरिंग हिज ब्लाइंड प्रजन इन ए कांवर, अंधे माता पिता को कावड़ बिठा के कौन ले जा रहा था? तो शरवण, कौन ले जा रहा था? शरवण अपने माता पिता को कावड़ बिठा के ले जा रहा था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वर्ड वॉज मिसप्लेट, मिसप्लेट कौन सा था? तो केटल, केटली, ये वाला शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा, केटली, ये मिसप्लेट था, ये इसका राइट, ये गलत था, मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें आप अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक बच्चे देखेंगे तो अधिक से अधिक जुड़ेंगे इसके में। सारे जिस ओलंपियाड के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी इसमें सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपके सामने पेश करूँगा। द ट्रेवलर थैंक्स, ट्रेवलर यात्री धन्यवाद देते हैं, किसको देते हैं? द स्टार को धन्यवाद देते हैं, द स्टार्स। व्हाट इज द रेमिंग वर्ड्स ऑफ टिंकल, टिंकल का रेमिंग वर्ड्स होगा स्प्रिंकल, ये वाला, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ट्विंकल ट्विंकल, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डार्क, डार्क ने अंधेरा होता है, लाइट ने उजाला होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। इज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस, पांडव में सबसे बड़ा राजकुमार था तो युधिष्ठिर, बड़ा राजकुमार कौन था? युधिष्ठिर था। वाज द टारगेट इन द टेस्ट, टेस्ट में टारगेट था, क्या टारगेट था? द बर्ड्स राइट आई, पक्षी की दाहिनी आंख, पक्षी की दाहिनी आंख। अगला क्वेश्चन, इज द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंस, पांडव, पांडव और कौरव के गुरु कौन थे? तो द्रोणाचार्य, इनके गुरु थे द्रोणाचार्य, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लूरल फॉर्म्स ऑफ बुक, बुक का बहुवचन, बुक का बहुवचन होगा दोस्तों बुक्स हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बुक का बहुवचन क्या होगा? बुक्स। अगला देखिए, दी मीटर्स रेस इज अबाउट टू स्टार्ट, कितने मीटर की रेस स्टार्ट होने वाली थी? तो 200 मीटर की, एक खेल प्रतियोगिता थी तो उसमें कितने मीटर की रेस स्टार्ट होने वाली थी? 200 मीटर की। नेक्स्ट है, हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन रो, एक पंक्ति में कितनी लड़कियां खड़ी थी? 6 गर्ल्स, 6 लड़कियां, पंक्ति में कितनी लड़कियां खड़ी थी? 6 गर्ल्स। हु गिव्स द सिग्नल टू रेस बिगनिंग, रेस को चालू होने में कितनी लड़कियों ने भाग लिया? हु सिग्नल किसने दिया? तो गेम्स टीचर ने दिया था, खेल प्रशिक्षक, खेल का जो टीचर था उसने लड़कियों को सिग्नल दिया कि आप दौड़िए। अगला, विच गेम इज इंडोर गेम, इंडोर गेम का मतलब होता है घर में खेले जाने वाले खेल, तो फुटबॉल ये घर में नहीं खेलते, आउटडोर गेम है। कैरम, कैरम इंडोर गेम है क्योंकि इसमें घर को बैठ कर, घर पर बैठ कर अपन आराम से खेल सकते हैं, कैरम एक इंडोर गेम है। विच इज द पेट एनिमल, पालतू जानवर कौन सा है इसमें? डॉग, डॉग इसमें पालतू जानवर है ना, मंकी टाइगर लायन ये सब विल्ड एनिमल है। विच इज द विल्ड एनिमल, जंगली जानवर कौन सा है इसमें? तो जंग, विल्ड एंड जंगली होता है तो ये होता है लायन। अभी अभी मत चलो मोबाइल, मोबाइल बंद करो यार, बंद कर दो ने थोड़ी देर। विल्ड एनिमल जंगली जानवर। विच इज द फार्म एनिमल, फार्म मैंने खेत पे, घर पे पालते हैं तो फार्म में काऊ रखी जाती है, क्या रखी जाती है? काऊ, गाय रखी जाती है। अगला देखिए, व्हाट इज द कार्गो ऑफ चिल एलिफेंट, एलिफेंट के कार्गो पे कौन बैठे थे? चिल्ड्रन, बच्चे बैठे थे। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट होगा अनहैप्पी, अनहैप्पी, हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? अनहैप्पी। गिव द वन वर्ड ऑफ द लुक आफ्टर टीथ, टीथ ने दांतों की देखभाल करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो दांतों की देखभाल करता है डेंटिस्ट, दांतों की देखभाल कौन करता है? डेंटिस्ट। बार बार बाल काटता है, कॉबलर जूते सिलता है, और पोटर बर्तन बनाता है, तो दांतों की देखभाल कौन करता है? डेंटिस्ट। आई होप के यहाँ तक अच्छी तरह सुनने आगे होगा। 34 बाद 35वां प्रश्न पर यह रहा आपके सामने।
यहाँ पे देनू वाज ए, देनू कौन था? तो देनू एक तो कॉबलर, देनू कौन था? देनू था कॉबलर, यानी मोची। देन कौन था? कॉबलर। अब यहाँ डी डब्ल्यू दीनू अगर आता तो वो वाशरमैन था, दीनू वाशरमैन था, लेकिन देनू अगर कहा तो देनू था कॉबलर, मोची था। विच इज़ द लेदर आइटम, लेदर चमड़े का आइटम कौन सा? बैग्स, बैग चमड़े के बनते हैं। द बेगर वाज, भिखारी था, हंग्री यानी भूखा, भूखा था, हंग्री था, भूखा। द बेगर डिड नॉट टर्न अप, मुड़कर नहीं आया, इन द इवनिंग, एक दिन शाम को भिखारी वापस मुड़कर नहीं आया। वेयर डज ए मूनबीम टैक्स यू, मूनबीम चंद्रमा की किरणें, तो चंद्रमा की किरणें एट होम अपने घर के ऊपर आती है, चंद्रमा की किरणें कहाँ आती है? अपने घर के ऊपर आती है। व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ द हैप्पी, हैप्पी का एडवर्ब क्या होगा? हैप्पीली होगा, हैप्पीली। बी बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द शिप ऑफ सेल, देखो शिप सेल ऑन द शिप में जहाज कहाँ चलता है? तो जहाज चलता है दोस्तों समुद्र के अंदर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाज समुद्रों में चलते हैं। द रेनबो इज द, अब यहाँ पे द लग गया दोस्तों मतलब सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, द लग गया मतलब सुपरलेटिव डिग्री। प्रीटीएस्ट 42 सी, हाँ प्रीटीएस्ट, द लग गया मतलब प्रीटीएस्ट, रेनबो बहुत सुंदर है, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री लगती है, ईएसटी वाली। निम्रता इज अ गर्ल, निम्रता कौन सी गर्ल? प्रीटी गर्ल, सुंदर लड़की है। बोट सेल ऑन द, बोट नाव चलती है रिवर में, नदी में चलती है, नाव कहाँ चलती है? नदी में। द यंग मैन ऑफ द हॉर्स, यंग वन ऑफ द हॉर्स, हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं? कोल्ट, घोड़ी के बच्चे को कोल्ट कहा जाता है, कोल्ट। बोला वास ए हॉर्स ट्रेनर, बोला कौन था? घोड़े को पढ़ाने वाला, घोड़े को प्रशिक्षण देने वाला, हॉर्स ट्रेनर। वेयर डिड बोला गो टू सेल द हॉर्स, बोला घोड़ा बेचने कहाँ गया? मार्केट, बाजार में गया, हाट में गया। ए बंच ऑफ, बंच ना गुच्छा, गुच्छा किसका होता है दोस्तों? ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा होता है, ग्रेप्स ना अंगूर का गुच्छा होता है। क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी कौन है दोस्तों? पचमढ़ी, पचमढ़ी सतपुड़ा की, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, कि पचतपुड़ा की रानी कौन है? पचमढ़ी। हाउ मैनी, हाउ मच मैनी वॉज अफेयर्ड टू बेट, शर्त कितने रुपये की लगी? 1000 रुपये की, शर्त कितने रुपए की लगी थी? 1000 रुपए की। विद होम डिड बोला रिटर्न होम, बोला घर किसके साथ आया? स्ट्रेंजर, अजनबी के साथ घर आया, स्ट्रेंजर दो अजनबी के साथ वो घर पे आया। वे डिड बोला मैं टू ठग्स, बोला ठग से कहाँ मिला? मार्केट में, कहाँ पे मिला दोस्तों? मार्केट में, बाजार में मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, द एलिफेंट यूजिंग हीज, एलिफेंट उपयोग करता है किसका? ट्रंक का, हैंड के रूप, हाथ के रूप में किसका? सुंड का उपयोग करता है, ट्रंक एंड सुंड का उपयोग करता है। हु पेड अप टू एलिफेंट, हाथी को कौन खिलाता है? अनीता, किसने खिलाया था? अनीता ने खिलाया था। द एलिफेंट एट एल होल ट्री, एक बहुत बड़े पेड़ को वो एट वन गो, एक ही बार में खा जाता है, बहुत बड़े पेड़ को एक ही बार में खा जाता है। द एनिमल विच इज कॉल्ड, एनिमल को कहते हैं, द शीप ऑफ डिजर्ट, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? केमल को कहा जाता है, ऊँट को कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊँट को। वेयर डिड विनोद गो, विनोद भोपाल, विनोद कहाँ गया था? भोपाल गया था, ये ऑप्शन राइट आंसर। व्हाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल एसी क्लास, एसी क्लास में बैठने का निश्चय क्यों किया? कि द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, ट्रेन बहुत भीड़ भरी थी। उनसाठ वाला, ही नोटिस द ट्रेन दैट देर वॉज सम वैकेंट सीट, वैकेंट एंड खाली सीट्स इन एसी कोच, एसी कोच में कुछ खाली सीटें थी, वहाँ बैठ गया वो विनोद। हु डिड हैव वैलिड टिकट, किसके बाद वैलिड टिक, हु डिड हैव,
हु डिड हैव ए वैलिड टिकट, किसके पास वैलिड टिकट थी। हु डिड नॉट, नॉट अगर आता तो मानते अपन कि विनोद के पास नहीं थी, लेकिन हु डिड हैव ए वैलिड टिकट, किसके पास वैलिड टिकट थी। तो वैलिड टिकट ऑल अदर पैसेंजर, दूसरे लोगों के पास वैलिड टिकट थी। 60 में बी, दूसरे लोगों के पास वैलिड टिकट थी, दूसरे लोगों के पास वैलिड टिकट थी। विनोद अगर ये नॉट आता तो विनोद आता, लेकिन नॉट नहीं दिया इसने। किसके पास वैलिड टिकट थी, तो दूसरे लोगों पैसेंजर के पास वैलिड टिकट थी। हाउ मेनी कलर्स रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर, 7 कलर। व्हाट विल द चाइल्ड डू विद द पुसी, बच्चे पुसी के साथ क्या करते, प्ले यानी खेलते थे। वेयर विल द पुसी सिट, पुसी कहाँ बैठी थी, साइड बगल में, पुसी कहाँ बैठी थी, बगल में। द स्नेक लिव्स इन ए, सांप रहता है कहाँ रहता है, होल में, बिल में रहता है, कहाँ रहता है, बिल में। अगला क्वेश्चन, द ओल्ड मैन्स आंसर वर इन द फ्रंट ऑफ, ओल्ड मैन के आंसर साइलेंस थे, चुप, उसने कोई आंसर नहीं दिया था। द टू मर्चेंट्स वर लुकिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल, वो अपने खोए हुए ऊंट को देख रहे थे। 66 में बी ऑप्शन राइट आंसर, वो अपने खोए हुए ऊंट को देख रहे थे। द मर्चेंट वेंट टू, मर्चेंट गए द खलीफा, खलीफा के पास गए थे, व्यापारी किसके पास गए, द खलीफा। द कैमल वाज, ऊंट था ब्लाइंड, अंधा था, ऊंट कैसा था, अंधा था। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस ईयर इन एवरी 4 ईयर्स, ओलंपिक गेम 4 वर्ष में एक बार खेले जाते हैं, इन 4 ईयर्स। 69, 4 ईयर्स, 4 वर्ष में एक बार खेले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देन देखो इसमें सब कुछ हो गया, कहाँ तक हो गए, 69 तक हो गए, अब 70। द ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज हेल्ड इन, तो ओलंपिक गेम्स 776 BC पूर्व ओलंपिया में कहाँ रखे गए थे, ग्रीस में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द फाइनल रेस वर बिटवीन बॉबी रेस प्रिस एंड, हाँ 12 की मम्मी आई रही, केन मेयर्स एंड केन मेयर्स के बीच में रखा गया, बॉबी पियर्स और केन मेयर्स के बीच में। द यंग मैन, यंग वन ऑफ बुक का होगा बुकलेट, गिव वन वर्ड्स वन हू सिंग, सिंग का होगा सिंगर, सिंग का क्या होगा, सिंगर। गिव द प्रोनाउन ऑफ द गर्ल, गर्ल का होगा शी, प्रोनाउन सर्वनाम शी होगा वह। प्रोनाउन ऑफ द किंग, किंग का होगा राजा, तो ही, पुरुष के लिए ही लगेगा। वन हू अरेस्ट थीव्स, चोर को कौन पकड़ता है, पुलिसमैन, चोर को अरेस्ट करता मतलब पुलिसमैन करता है। हुम डज द पोएट इनवाइट, राजा कवि किसको आमंत्रित करता है, तो हर फ्रेंड्स, कवि अपने मित्रों को आमंत्रित करता है। वेयर डज द पोएट विजिट, पोएट कहाँ विजिट कर रहा है, घूम रहा है, तो मार्स, मंगल पर, कहाँ घूम रहा है, मंगल ग्रह पर। ए रॉकेट हियर मीन्स, रॉकेट का स्पेस क्रॉप्ट, स्पेस क्रॉप्ट्स। व्हाट डज द डॉग नी, व्हाट डज शी लॉन्ग टू डू, तो 80 फॉर ए राइड, फॉर ए राइड। हाउ आर डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जर्नी, साउथ में दिन कैसे थे, फाइन थे, अच्छे थे। कंज्यूम ए लॉट ऑफ वुड, बोनफायर्स, बोनफायर्स आग जलाना, कंज्यूम लॉट ऑफ वुड। व्हाट डज फ्रॉम हैंड टू हैंड, एक हाथ दूसरे हाथ में किया जाता है, स्वीट्स मेल्स, स्वीट मेल्स, मीठी मिठाइयाँ दी जाती है, एक हाथ दूसरे हाथ में मिठाइयाँ दी जाती है। रेरेंज द जम्बल्ड लेटर्स प
पाइल, इसका सही लेटर तो पाइल होगा, ये वाला होगा, स्पेलिंग PILE. फाइव फ्रेंड्स वेयर गोइंग, पांच मित्र कहाँ जाते थे, फेयर ने मेला देखने गए थे, पांच मित्र कहाँ गए मेला देखने, हुई चैटर बॉक्स, तो बिस्नी इज ए चैटर बॉक्स, बिस्नी इज ए चैटर बॉक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेयर, हेयर का मीनिंग होगा बाल, तो इट ग्रोस ऑन ओवर हेड, अपने सिर पे उगते उनको बाल बोलते हैं. 87 के बाद अगला देखते हैं, 88 में देखते हैं. इस कॉल्ड वाइस मैन, बुद्धिमान कृष्णा को कहा गया, बुद्धिमान किसे कहते हैं, कृष्ण को. अपोजिट वर्ड देयर, देयर का होगा हियर, एच आर ई, देयर नहीं यहाँ, हियर एंड वहाँ, देयर नहीं यहाँ, हियर एंड वहाँ. द प्रिंसिपल लाइक्स टू, तो प्रिंसिपल जेराइट्स स्कूल, तो सीज का राइट आंसर हो जाएगा. द ट्रेन लुक लाइक, ट्रेन कैसी दिखाई दे रही थी, चैटरपिलर, चैटरपिलर थी, चैटरपिलर राइट आंसर हो जाएगा इसका. हु गिव द टिकट्स ऑन द बस, की टिकट कौन देता है, कंडक्टर देता है, बस की टिकट कंडक्टर देता है. ड्राइवर, पुलिस, पोस्टमैन, ये बस की टिकट कंडक्टर देते हैं. वाट इज द मीटिंग प्लेस रिवर्स कॉल्ड, जहाँ नदियाँ मिलती है उसको संगम बोलते हैं. हुम बिल्डिंग एट ओरछा, बिल्डिंग ओरछा बिल्डिंग किसने बनाई, किंग ऑफ बुंदेला किंग्स ने बनाई थी. दिस टेम्पल्स ऑन द बैंक ऑफ, ये मंदिर किसके नदी किनारे, बेतवा, बेतवा नदी के किनारे. अगला है, हु लुक्ड आफ्टर मूवमेंट एंड बिल्डिंग, तो बिल्डिंगों की देखभाल करने वाले को देखो, इसमें कुछ ऑप्शन में गलत लग रहा है. एक तो इसको अपन देखते हैं अभी, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा देखता है, एग्रीकल्चर कृषि देखता है, और होम डिपार्टमेंट घर देखता है. आर्चोलॉजिकल, आर्च मतलब होता है तो तीर धनुष होता है, आर्चोलॉजिकल, तो होम डिपार्टमेंट ये घर, बिल्डिंग मतलब घर से आता है, तो डी वाला इसका राइट आंसर है ना. अभी इन दोनों में कन्फ्यूज है, लेकिन डी इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से डी हो सकता है, बाकी सब फिक्स था, लेकिन डी इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से. आगे देखो, वेन वास मनु बर्न, मनु का जन्म 19/11/1835 काशी में हुआ था. मनुज फादर, मनु के पिता कौन थे, मोरोपन तांबे, मोरोपन तांबे. तो फर्स्ट बार पहला युद्ध कब लड़ा गया था, 1857 में, 1857 में. और वाज द किंग ऑफ झांसी के राजा कौन थे, गंगाधर राव, झांसी के राजा, झांसी के राजा कौन थे, गंगाधर राव थे, झांसी के राजा कौन थे, गंगाधर राव. तो ये सो क्वेश्चन आपको बता दिया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे दोस्तों. और अगले गणित का वीडियो आएगा अगला, तो उसको देखना ना भूलें, और बाकी सारे विषय के वीडियो आने वाले हैं. थैंक यू दोस्तों.